चाय बोले चाय बोले चाय, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, समोसा बोले चाय बोले चाय। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अदर एपिसोड। दोस्तों चल ही रहा है मार्केट में, एक तरफ चाय वाला छाया हुआ है, एक तरफ ये तुम्हारी वड़ा पाव वाली। भाई कैरेक्टर्स हैं, ये चाय नहीं बेच रहे, वो वड़ा पाव नहीं बेच रही है, वड़ा पाव तो दुनिया बेच रहा है, वो कैरेक्टर बेच रहे हैं। मेरा हाथ तो रुका नहीं, किसी दुकानदार को देखा इतनी इतनी तगड़े एटीट्यूड में बात करते हुए, लोग भिखमंगों की तरह खड़े हुए हैं, लाइन लगा रखी है वड़ा पाव के लिए, दो दो घंटे सफर करके आ रहे हैं, वो वड़ा पाव खाने नहीं आ रहे, वो कैरेक्टर से मिलने आ रहे हैं। तो जैसे वो डोली चाय वो कैरेक्टर है, तीली सा सरकंडी सा बिल्कुल ही, फूक मार दो तो उड़ जाए, जेब में 10-10 के 8-10 सिक्के डाल के चलने वाला आदमी वहां चल रहा है, उधर वो रेगिस्तान में डेजर्ट सफारी कर रहा है, वो हवा के तूफान से खिड़की में से किसी ने विंडो खोल दी, यहां से तेज हवा यहां से पार निकल गया, पकड़ के लाए उसे, पैरों में एंकल वेट लगा के बिठाया, सीट बेल्ट बांधी 3-4 उसके, तब जाके तो वो टिका। उस पे बायोपिक बन रही नहीं बन रही, अपने को कोई लेना देना नहीं, उसके चलते में वरुण धवन का रोस्ट हो गया भाई। अब ये जो वड़ा पाव गर्ल के, गर्ल कहीं से नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, अपने आप को खुद ही इसने वड़ा पाव गर्ल बना लिया, क्योंकि वो कैरेक्टर है, बहुत सही कैरेक्टर है भाई। वड़ा पाव गर्ल आंटी कहां, उसका जिसका बच्चा हो जाए वो गर्ल कहां से रह जाए, गर्ल तो वो होती है जो 14-15 साल की हो गई, उसको गर्ल कहेंगे, गर्ल बन गई है ये तो भाई। बच्चे चलो कोई बात नहीं, मैं हार्ट पेशेंट हूं, हार्ट पेशेंट ये बन चुकी है, इसको समझ में आ गया था कि पब्लिक को कैरेक्टर देना है, पब्लिक सिंपथी की भूखी होती है। औरत लड़की तो वैसे भी कहीं पे भी कहीं गिर जाए स्कूटी से, स्कूटी फिसल जाए, वहां पर 150 लौंडे इकट्ठे हो जाते हैं, आदमी गिर जाए जब देखो कोई आए ना आए, जब तक और किसी को कुछ ना मर जाए टूट फूट जाए जब तो शायद 4-5 खड़े हो जाए, वरना कोई नहीं आते। तो और जितने भी बुड्ढे जाते थे साले सब ठरकी, जो लाइन लगा के खड़े रहते थे ना, जो 2.5-2.5 घंटे दूर से आते थे, ये सब साले हरामी ठरकी बुड्ढे थे, वहां जाके जो उसे नसीहत दे रहे होते थे, जो एडवाइस दे रहे होते, क्योंकि इंडिया में क्या है, फ्री एडवाइस और सिंपति झिक्के भरी पड़ी है, इंसान का अहंकार पूरा होता है जब वो किसी को फ्री एडवाइस और सिंपति दे रहा होता, तो वहां लोग उसे सिंपति और एडवाइस देने के लिए 2-2 घंटे लाइन में लग के उसका 50 रुपए का वड़ा पाव लेते थे भाई। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मुझे ये चूतियों की जमात देख के ना एक साथ मुझे बहुत बढ़िया लगा, तब मुझे लगा कि बेरोजगारी नहीं है और इंडिया में किसी को रोजगार चाहिए भी नहीं, मैंने बहुत तालियां बजाई, मैंने उन लोगों को, मैंने एक साथ इतने बिकट इतने सारे वासना से भरे हुए और चूतियों की जमात मैंने एक साथ कभी नहीं देखी जो मुझे देखने को मिली। बिग बॉस के घर में भी इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलती। हाँ बिग बॉस से याद आ गया, एक चुगलखोर शो, जिन लोगों को दूसरों के घरों में झांकने का शौक होता है, इसके घर में चल क्या रहा है, इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जिनकी अपनी जिंदगी बिल्कुल बेरंग पड़ी हुई है, बेजान पड़ी, अपनी जिंदगी के एल लगे पड़े, कोई पता नहीं है कहां जा रहा है कहां नहीं, लेकिन दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने से मतलब है। जैसे तो वो लोग अपनी रियल लाइफ ही दिखाने जा रहे हैं बिग बॉस में, बिग बॉस में भी बढ़िया दिमाग है जो शो है, बिग बॉस तो चूतिया है निखत, जो शो है उनमें उनको पता है यार चूतियों के लिए भी कोई शो बनाया जाना चाहिए, जिनको सारे सारा दिन चुगली करने का शौक है शो बना देंगे, अब वो वड़ा पाव कोई कोई जो वायरल कंटेंट है, वायरल लोग है उनको उठा उठा के पटक दो, लोग तो देखेंगे। अरे लोग तो बिग बॉस के घर से कोई निकलता है विनर, इतनी इतनी भीड़ जब देख रहे, वेले लोग कितने हैं इस दुनिया में, वो अपना काम धंधा छोड़ के जो विनर है उसको देखने के लिए उसको मिलने के लिए जाते हैं, मतलब 140 करोड़ जनता में से ना मुझे लगता है 70-80 करोड़ तो इंडिया में चूतियों से भरे पड़े हैं, ये अगर विलुप्त हो जाए ना भाई साहब, इंडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी जिन्होंने आज तक भी बिग बॉस जैसे एक नंबर के न्यायती घटिया शो का एक भी एपिसोड नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा एक भी एपिसोड नहीं देखा मैंने कभी, और जो जो ये कहता ना मैंने सारे एपिसोड देखे एक भी नहीं मिस किया, भाई तुम सर्टिफाइड सर्टिफाइड यूनिवर्स का नंबर 1 टैग मिलना चाहिए तुम्हें बिकट चूतिया होने का, इतना निहायती घटिया शो कोई झेल कैसे लेता है, साला चिल्लम चिल्ली ये वो उट पटांग पता नहीं वट एवर, चलो झेल रहा है, लोगों ने तो एनिमल मूवी भी झेल ली थी यार, एनिमल मूवी भी तो एनिमल के लिए ही बनाई गई थी ना, 500-600 करोड़ रुपए कमा गई मूवी, तो जानवरों ने ही देखी थी, कोई सरपैर नहीं मूवी का कुछ नहीं, तो ऐसा ही ये शो है भाई, इसका भी कोई प्लॉट नहीं कोई सरपैर नहीं, बस दूसरों को जिनको चुगली करने का शौक है घरों में झांकने का शौक है क्या चल रहा उनके लिए ये शो बहुत बढ़िया है, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, हर चीज समझदार लोगों के लिए ही क्यों बने भाई, ग्राहक तो चूतिए भी हैं, तो उनके लिए ये शो बना दिए तो क्या हो गया, बढ़िया है हर तरह की वैरायटी, अगर 70-80 करोड़ लोगों के लिए ये शो बनाया जा रहा है तो बढ़िया है, वो देखेंगे उनको मजा आएगा, उनको नहीं चाहिए पंचायत जैसे शो,
अब मिर्जापुर जैसा शो है उसकी अलग ऑडियंस है, पंचायत जो है उसकी अलग ऑडियंस है, एनिमल जो है उसकी अलग ऑडियंस है। बहुत सारे लोगों को लगा ठीक ही है पंचायत इतना भी, जिनको अकल है ना बढ़िया कुछ देखने का उनको शायद पंचायत बहुत बढ़िया बहुत कॉमेडी सीरीज लगी होगी, लेकिन वो है काम करने वाले लोग, वो अपनी जिंदगी में मस्त है, उनको कोई बिग बॉस बॉस पे लेना देना नहीं है। चाहे वो अशोक पाठक जिसने विनोद का कैरेक्टर किया, भूषण जो दुर्गेश कुमार है जिनने बनराकस का किया, तुम्हें क्या लग रहा है उनको नहीं ले जा सकते? उनको ले जा सकते, वो जाना नहीं चाहते, वो जाएंगे ही नहीं। बिग बॉस में कौन जाता है? जो सुपर फ्लॉप है वो जाता है। कितने सीजन आगे कितने विनर निकल गए, आप मुझे 4 साल 5 साल पहले का कोई विनर बता दो, अगर आपको पता हो तो याद होता, नाम भी नहीं पता होता। 6 महीने में सारी दुनिया भूल जाती कौन आया था कौन गया था। और वो साला इतना निहायती इतना घटिया है कि उससे निकलने के बाद इंसान का करियर उस पर फ्लॉप का टैग लग जाता है। वो वैसे खैर इन पे तो ये छोटे मोटे ये जो वायरल वाले यूट्यूब वाले इनको तो क्या ही फ्लॉप का टैग मिलेगा यार, ये बाहर निकलने के बाद भी ऐसे ही, अंदर जाने के बाद भी ऐसे ही। और अठन्नी नहीं मिलती, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अठन्नी नहीं मिलती है। और कोई ऐसा कोई बहुत टॉप का कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है जो जो लोगों ने इतनी हवा बना रखी है ना यार, ये मैं हवा क्या बना रखी है, ये वही जो मैं बता रहा हूँ 70-80 करोड़ सर्टिफाइड जूती लोग हैं वही जाते हैं, और जो उनके शो के बाहर चले जाते हैं भाई साहब उनको तो मन करता है ये लाठी लेके उनकी पेल्विक बोन तोड़ दूं, इतने निहायती घटिया लगते हैं। कंधे पे उठा लेंगे उन्हें यार, पागल ही हुए पड़ रहे थे कि बिग बॉस में चला गया, पता नहीं भारत रत्न मिल गया, इतना तो ये किसी देश के सबसे टॉप फुटबॉलर कोई इनको। अच्छा मेरी एक दोस्त है पूजा तोमर, पहली लड़की, वो लड़की एक्चुअली मैरिड भी नहीं, पहली लड़की यूएफसी की पहली लड़की भी, क्या कोई लड़का भी आज तक कोई फाइट नहीं जीता यूएफसी की, वो पहली फाइटर है, लड़की तो खैर है ही है, पहली फाइटर जिसने यूएफसी की फर्स्ट फाइट जीती है, अभी इंडिया आई हुई है पहली। उसको कोई मतलब नहीं है सोशल मीडिया पे उसके कितने फॉलोअर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, कोई बकचोदी नहीं कुछ नहीं, और उसके फॉलोवर्स भी इतने कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है। मैं तो उसको बहुत, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, काफी सालों से जानता हूं, बहुत रिस्पेक्टिव भी करता हूं उसको यार, मतलब इंडिया का नाम रोशन जो कर रहा हूं उसको लोगों को लेना देना नहीं है। बट वैसे लोग भी हैं थोड़े बहुत हैं जो ये शायद खबर रखते होंगे, लेकिन ज्यादातर इंडिया में ना ये चूतियों की जमाती है यार, यहाँ अकल वाले लोग है नहीं सही बताऊं, या इसीलिए ऐसे शो चलते हैं, ऐसे इतने टॉप के खिलाड़ी जो इंडिया का नाम यूएफसी जैसी जगह पे जाके रोशन कर रहे उनके कितने 400-500 के इतने सिर्फ फॉलोअर्स है। इंडिया में लोग बकचोद को ज्यादा फॉलो करते हैं, छपरियों को ज्यादा फॉलो करते हैं, उनको ट्रेंड में ज्यादा चलाते हैं, ऐसे लोगों से इंडिया को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो लोगों का एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे ना, ऐसा फालतू की सड़कों पर उतर गए, सड़क पर उतर जाए तो आदमी क्या हो जाता, नंगा हो जाता है सड़क पे जो उतर गया। एक वो चूतिया पिछले साल आया था कीचड़ों में ही लौटता रहता, आज भी बिग बॉस से निकलने के बाद भी आज भी कीचड़ में ही लौट रहा है ना, एट द एंड क्या कर लिया, फेमस होके भी क्या कर लिया, जब कीचड़ में ही लौट रहा है, गोबर मुंह पे लपेट रहा है, कीचड़ में लौट रहा है, मुंह डाल रहा है, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो मतलब फेमस हो जाने के बाद, ये करना चाहते हो अपने आप के साथ? अरे मरो कहीं सालों डूब गए, ये जिंदगी, ये ऊपर वाले ने इसलिए तुमको इंसान बना के भेजा, इसलिए जिंदगी दी है ये सब चूतिया हरकतें करने के लिए। मुझे 2 बार सीजन से कॉल आया था, मैं नहीं गया था, और लेकिन अब लोग इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी जाओ आप भी जाओ। अब पता नहीं है भाई, अब दोबारा से आया तो है इस बार, लेकिन मैंने थोड़ी कंडीशंस रखी हैं, लेट्स सी, अगर उनको कंडीशंस पसंद आती है तो शायद से वाइल्ड कार्ड में एंट्री हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ अपने जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं चाहने वाले, मैं सिर्फ उनकी बैंड बजाने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं उसके घर में जाके इतनी गंदी बैंड बजाऊंगा ना, इतना खतरनाक रोस्ट मारूंगा ना उस बिग बॉस को भी मारूंगा, और वो जगास ये तो शाला निकिस को तो बीमारी कोई लग गई है जिसकी वजह से जगास इस बार होस्ट जगास करने जा रहा है, ये बिग बॉस के घर इसको बीमारी लगी, इसको नीचे मुंह पे पता नहीं कुछ तो भी हो गया भाई, नशे नुशे करके गंदे, लास्ट टाइम आपने देखा था मुंह ऐसा टेढ़ा होता खाटा, बोल भी नहीं पा रहा था बिल्कुल, इस टाइम हालत बहुत खराब है उस बंदे की। तो इस भी होस्ट ये ओटीटी का जो है वो अनिल कपूर करने जा रहा है, अगर चांस मिला भगवान कसम जितने कंटेस्टेंट होंगे सबकी बैंड बजा के आऊंगा। पिछली बार जैसे गए थे ना, वो सामने जूरी बैठी हुई थी, वो सबकी बैंड बजा रही थी, अगर चाहे मुझे वही स्टेज से ही बाहर आ जाना पड़ जाए, लेकिन विकट रोज कुर्सी छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ इतना खतरनाक रोज मार गया हूँ, सबकी कुंडली है मेरे पास जितने भी बैठे, चाहे वो एमसी, वो पिछली बार वो स्टैन आया था और भी 4-5 बैठे हुए थे, वो एक फ्लॉप अजय जडेजा वो बैठा हुआ था, और कौन सा वो प्रवक्ता था कोई न्यूज रीडर था वो बैठा हुआ, और भी 4-5 छपरी बैठे हुए थे, बकवास। अभी किसी दिन मेरे को चक्कर मिला ना बेटा,
मैं बताऊंगा ढंग से बजाते कैसे। तो दोस्तों आप बताना मुझे कमेंट करके, क्या मुझे जाना चाहिए या मैं इस मकसद से, पहले मैं कुछ और सोचता था, इस मकसद से क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। काफी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके बारे में कुछ बोलो, तो आज कर दिया भाई खुलासा। तो जो भी बिग बॉस देखता है आप समझ लो वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और उसको दूसरों की जिंदगी पे झांकने का ज्यादा ही चुल है, ज्यादा ही उंगली है, चुल है उसको कुल मिला के। तो ऐसे चुल वाले लोगों से दूर रहिए, आप ज्यादा खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच, चलता हूँ अपने घर, जिम बंद हो चुका है, सारे लोग अपने घर चले गए, मैं भी जाता हूँ। जय भद्रकाली, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ऐसे चुल वाले लोगों को जरूर पहुंचाना यार, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दो यार थोड़े से। पता नहीं ये क्या सिलसिला चला है मेरे सब्सक्राइबर्स के, साला घटते ही जा रहे, घटते ही जा रहे, घटते ही जा रहे। कोई बात नहीं, मेरे कौन सा कर ही देते, अपने आप बढ़े थे, अपने आप घट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, जीरो भी हो जाए, हम तो वहीं से चले थे, जीरो से चले थे, दोबारा जीरो हो जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। मिलते हैं दोबारा अगले एपिसोड में। जानवर से बना श्री राम, रणबीर कपूर का रोस्ट।